ये कौन है? मुस्लिम से डर नहीं लगता है, बीजेपी से लगता है। मुस्लिम से डर नहीं लगता है, ब्रिजभूषण से लगता है। मुस्लिम से डर नहीं लगता है, मोदी जी से लगता है। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है वतन के लिए। एक चाय दो समोसा, ब्रिजभूषण तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, मोदी जी आपका क्या भरोसा। स्मृति ईरानी जी के जो बेटी है उनको अगर किसी ने गलती से भी टॉन्ट मारा, उनकी बेटी को अगर किसी ने भी गलती, उनकी ममता जाग उठती है। यहाँ पे बेटियाँ महीनों भर है तो उनकी ममता कहाँ गई? वो पार्लियामेंट में गोबर दे रही है क्या? ईवीएम का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दें, ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी, यही है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ टीएमसी यूथ की जनरल सेक्रेटरी आसाम से फ्लेक्सी दास हमारे साथ मौजूद है और इन सभी मुद्दों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। पिछले एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, पहलवान महिला पहलवान जो है धरने पर बैठी हुई है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैडम सबसे पहले बताइए, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर किस लिए आई हैं? मैं जो रेस्लर ने महीनों भर से यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं तो उसके लिए सपोर्ट के लिए आई हूँ। मैं असम से आई हूँ। मैम आप भी वुमेन हैं और यहाँ पर भी जो वुमेन रेसलर्स हैं वो अपने न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं और उन्हीं की जो है वो मांगों को, उनको न्याय देने के लिए सरकार जो है वो नहीं सुन रही है। हाँ सरकार कैसे सुनेंगी, सरकार तो बहरे है ना। मैं इसलिए स्टार्टिंग में कुछ कहना चाहूँगी, कोरोना खतरा है तन के लिए, कोरोना खतरा है तन के लिए, मोदी खतरा है वतन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, बीजेपी खतरा है वतन के लिए। कोरोना खतरा है तन के लिए, ब्रिजभूषण खतरा है वतन के लिए। एक चाय दो समोसा, ब्रिजभूषण तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, बीजेपी तेरा क्या भरोसा। एक चाय दो समोसा, मोदी जी आपका क्या भरोसा। मोदी जी विदेश दौरा करते हैं, लोग उनके विदेशों में उनका पैर छूते हैं, आप उनका जो खतरा बता रहे हैं। ओ हाँ, विदेशों से मतलब ऑटोग्राफ भी लिया है ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, शायद यहाँ पे दिखाई जा रही है, यहाँ की मीडिया में दिखाई जा रही है, ऑटोग्राफ लिया है। अरे हाँ, जब मोदी जी को अगर रेसलर के बारे में बोलूं कि रेसलर यहाँ पर प्रोटेस्ट करे तो मोदी जी बोलिए केरला स्टोरी देखो। रेसलर न्याय मांग रहे तो मोदी जी बोलिए केरला की हिंदू बेटी खतरे में है, तो ये कौन है? ये भी तो हिंदू बेटी है ना, ये कौन है? मुस्लिम से डर नहीं लगता है, बीजेपी से लगता है। मुस्लिम से डर नहीं लगता है, ब्रिजभूषण से लगता है। मुस्लिम से डर नहीं लगता है, मोदी जी से लगता है। तो वो जो ऑटोग्राफ लेके है, हम लोगों का क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा, हम लोगों को न्याय मिलेंगे? तो उन लोगों के अखबार में तो नहीं है, नहीं देखा मैंने भी सर्च किया था गूगल में, आना चाहिए था ना ऑटोग्राफ, किसी ने मांगा है प्रेसिडेंट ने, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, ये कम बड़ी बात है। ठीक है ऑटोग्राफ ले लिया, ठीक है जो बाइडेन ने ले लिया ऑटोग्राफ, तो हमारी इसमें क्या मतलब, इसमें क्या हम लोगों की क्या। महिला पहलवान जो है पिछले एक महीना से धरने पर बैठी हुई है, न्याय का गुहार लगा रही है, वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह अब भी कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। चोर कभी चोर करके बोलते हैं मैंने चोर किया है, चोरी किया है बोलते हैं नहीं ना, तो वही है रावण का 10 मुंह होता है ना, उनका भी 10 मुंह ही है। एक मुंह अगर सबके सामने आ गया ना तो उनका तो कुछ होगा ही नहीं, कुर्सी तो हिल जाएगा। जनता एक उंगली से अगर सरकार बना भी सकती है तो उखाड़ कर फेंक भी सकती है। और किसी को एक महीने में कुछ भी नहीं हुआ, जितने भी प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है ना एक महीने या फिर सालों में, जनता अपना पक्ष रख रही है, क्योंकि ये सरकार तो वो भी नहीं चाहती है ना प्रोटेस्ट ना हो, कुछ भी ना हो। तो हम लोग एक महीने दो साल जो भी हो हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम लोगों को न्याय चाहिए ही चाहिए। और क्या बोलूँ, स्मृति ईरानी जी के जो बेटी है उनको अगर किसी ने गलती से भी टॉन्ट मारा, उनकी बेटी को अगर किसी ने भी गलती, उनकी ममता जाग उठती है। यहाँ पे बेटियाँ महीनों भर है तो उनकी ममता कहाँ गई? वो पार्लियामेंट में गोबर दे रही है क्या? वो कहाँ गई? उनको दिखाई नहीं दे रहा है मोदी जी, कहाँ गए? मोदी जी को दिखाई नहीं रहे, मैदान लेते समय हंसी मतलब बत्ती से निकाल कर फोटो खिंचवाते हैं, अभी कहाँ गए? श्री राम भगवान की धरती अयोध्या में 5 जून को एक मतलब महारैली होने जा रही है, इससे क्या फायदा होगा? नौकरी मिलेगा, महंगाई कम होगी, बताइए क्या होगा? अपना जो शक्ति प्रदर्शन करेंगे वो करने दीजिए ना, समय आने दीजिए, हम लोग भी है ना, हम लोगों के पास जनता है, जनता जनार्दन, उनके साथ भी 11 लाख जनता जुड़ने जा रहे हैं।
संत भी जुड़ेंगे बहुत। हम लोग पहले ये, हम लोग घोड़ा नहीं है ना, हम लोग घोड़ा नहीं है, यही फर्क है। हम लोग नीट एंड क्लीन है, हम लोग खरीद भी नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते हम लोगों को, तो हम लोग घोड़ा नहीं है, यही बोलेंगे, जिसको समझना है समझ जाएंगे। तो वो कहते हैं बॉक्सो एक्ट का मिस यूज किया जा रहा है, कौन ब्रिजभूषण सर जी का बयान है। मैंने आपको बोला ना, चोर जब करता है खुद को बचाने के लिए यही करते हैं, और क्या कहेंगे वो, उनको तो कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। मैं उनको यही चुनौती देती हूँ, जंतर मंतर पर आइए ना, जंतर मंतर पर आइए, आके सामना कीजिए जनता के साथ, सामना कीजिए, हिम्मत है तो। 28 जून को नए संसद भवन का उद्घाटन है, उस दिन को वीर सावरकर के जन्मदिन से क्यों जोड़ते हैं आप? देखिए ये तो मैं इस बारे में मैं नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ रेसलर की प्रोटेस्ट सपोर्ट करने के लिए मैं इस विषय में। आपको क्या लगता है कि एक महीने से ज़्यादा इनको हो गया है बैठे हुए, आगे लग रहा है कि न्याय मिलने की कहीं उम्मीद नजर आ रही है? सरकार के लिए तो आपने बोल दिया है कि वो तो कुछ करेगी नहीं, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ देखिए, हम लोग अपना पक्ष रखेंगे, हम लोग डटे रहेंगे, सरकार देखिए 24 आने वाली है, 24 की जो चुनाव है वो आने वाले है ना। मैंने बोला कि एक अंगूठी से सरकार बनती भी है, उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। सब लोग तो घोड़ा नहीं है ना, सब लोग को बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते है ना, तो समय आने दीजिए, फैसला होगा। तो जनता जनार्दन है, जनता के खिलाफ कुछ नहीं, जनता के ईवीएम के आरोप भी काफी लगते हैं, तो ईवीएम ईवीएम आपने सही सवाल, ईवीएम का फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता दें, ईवीएम एवरी वोट फॉर मोदी, यही है।